करनाल के ज्ञानपुरा गांव में स्वच्छता अभियान चलाया गया है। आपको बता दें कि राजकीय महाविद्यालय घरोंडा की ओर से आयोजित 7 दिवसीय एनएसएस शिविर के चौथे दिन ये स्वच्छता अभियान चलाया गया है, जिसमें स्वयंसेवक और स्वयंसेविकाओं ने गांव की गलियों में साफ सफाई की और पानी की टंकियां चेक की। साथ ही ज्ञानपुर मंदिर और कॉलेज गेट के सामने सफाई की गई। इस मौके पर कॉलेज के पूर्व छात्र और एनएसएस स्वयंसेवक अंग्रेज सिंह और प्रवीण ने एनएसएस कैंप को लेकर अपने विचार साझा किए। अंग्रेज सिंह ने अपने वक्तव्य में एनएसएस के फायदे गिनवाते हुए निस्वार्थ भाव से सेवा करने की बात कही और अपने युवा साथियों को नशे से दूर रहने के बारे में प्रेरित किया। वहीं स्वयंसेवकों ने ज्ञानपुरा में जागरूकता रैली निकालते हुए फसल अवशेष न जलाने के बारे में लोगों को जागरूक किया। बता दें कि 7 दिवसीय कैंप का आयोजन कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुरेश शर्मा के नेतृत्व में किया जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि एनएसएस कैंप के अंतर्गत कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न गांवों में जाकर धान के अवशेष, पराली के अवशेष जलाने से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पराली के अवशेष जलाने से जमीन की उर्वरा शक्ति तो कम होती ही है, उससे पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। इसलिए किसानों को जागरूक किया जाता है कि वह पराली के अवशेष नहीं जलाएं और सरकार द्वारा दी गई हिदायतों के अनुसार ही पराली के अवशेष की गांठें बनाकर रखें। इस मौके पर बड़ी संख्या में एनएसएस से जुड़े छात्र छात्राएं मौजूद रहे। उसके स्वयं सेवक है वो ज्ञानपुरा गांव में साफ सफाई करेंगे, इसके अतिरिक्त अरईपुरा में भी जाएंगे और कॉलेज प्रांगण की भी सफाई जो पास लग रहा है कॉलेज, उसकी भी सफाई हम इन छात्रों से करवा रहे हैं। और आज जो ये जागरूकता रैली निकाली है 7 दिवसीय कैंप के दौरान, ये हमने निकाली है पराली न जलाने के लिए। लोगों को हमें जागरूक करना है कि वो अपनी फसल अवशेष न जलाएं। अभी एनएसएस के विद्यार्थियों ने 2 महीने पहले हमारे जो विद्यार्थी थे इन्होंने जो अरईपुरा, कालरम, बस्ताड़ा, कुटेल और आसपास जो गांव लगते हैं वहां पर जाकर के भी जागरूकता रैलियां निकाली हैं। और उसमें मुख्य रूप से जो है वो एसडीएम गरौंडा का विशेष सहयोग है, उनके नेतृत्व में हमने ये सारा का सारा कार्य किया है। और इस 7 दिवसीय कैंप के दौरान भी आज हम लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि आगे कुछ 2 महीने के बाद गेहूं की फसल आने वाली है और जब उसकी कटाई होगी तो किसान जो हैं वो ये सोचेंगे कि जल्दी से अगली फसल बोने के लिए हम इन फानों को जला दें, तो उससे भूमि को बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, जो उपजाऊ जो कीट होते हैं वो भी साथ में जड़ जाते हैं और प्रदूषण भी फैलता है और जो धरती की जो उर्वरा शक्ति है वो भी नष्ट होती है। तो इसलिए हम आज जो है इस एनएसएस के कैंप के चौथे दिन जो है लोगों को जागरूक करने के लिए ये पराली न जलाने को लेकर के रैली निकाल रहे हैं। और ये केवल पराली न जलाने को लेकर रैली नहीं है बल्कि ये हम सब के लिए जो है फायदे की बात है कि हम प्रदूषण से बच सकें, अगली पीढ़ियों को बचा सकें। इस प्रकार की जो रैलियां जो है आगे हम 19 तारीख तक कैंप हमारा लगेगा, इस प्रकार की रैलियां हम चाहे वो बेटी बचाओ है, बेटी पढ़ाओ है, चाहे वो और नशा मुक्ति को लेकर के है, ऐसी रैली जो है वो हम इस दौरान निकालते रहेंगे और लोगों को जागरूक करते रहेंगे। जी, जिस प्रकार से अभी सर ने बताया कि ऐसी रैलियां ही हम निकालते रहेंगे और लोगों को जागरूक करते रहेंगे, तो हम चलते हैं, यहाँ के बहुत से स्टूडेंट खड़े हैं और अभी देखते हैं कि एक वर्षा जी हैं और इनसे बात करते हैं। तो वर्षा जी, आप यहाँ पर आए हैं और कैंप से आपको क्या सीखने को मिला और क्या मकसद आप कैंप में समझाना चाहते हो इस रैली के माध्यम से? हम सभी राजकीय महाविद्यालय घरोंडा के विद्यार्थी हैं, हम सभी एनएसएस वॉलंटियर्स हैं। हमारे साथ हमारे टीचर डॉक्टर सुरेश शर्मा जी हैं जो हमारी रैली में सहायता कर रहे हैं। हमने ये रैली किसानों को जागरूकता फैलाने के लिए की है ताकि वो जागरूक हो सकें और पराली ना जलाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गेहूँ की फसल कटने वाली है और उससे जो किसान है वो इस जागरूकता को फैलाने के लिए ये रैली निकाली है ताकि जो किसान है वो प्रदूषण ना फैलाए और हमारा देश स्वच्छ रह सके। एनएसएस वॉलंटियर्स जितने भी हैं यहाँ पे, उन्होंने सभी ने गांव में सफाई का ध्यान रखते हुए, हम अपने कॉलेज में सफाई का ध्यान रखते हुए देश को स्वच्छ रखने का कर्तव्य लिया है। थैंक यू जी। तो धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद। आपने जो पीछे लगा रखा है 7 दिवसीय है राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर, तो सर इसका मकसद क्या है, क्या मतलब कि आप
दर्शाना चाहते हैं इससे, इसका मकसद क्या होता है ये राजकीय महाविद्यालय घरौंडा? लेकिन उनके दिमाग में ये होता कि हम इसको दला देंगे और जल्दी से अपनी फसल को उगा देंगे, लेकिन वो एक बात को नहीं देख पाते कि हमारे जल्दी जल्दी में हमारी मिट्टी का जो उपजाऊ शक्ति है वो नष्ट हो जाती है, वो कम हो जाती है। लेकिन हम लोगों ने, हमारे माननीय सुरेश सर जी ने इसका एक रैली का प्रोग्राम बनाया और रैली के दौरान आज हम लोगों ने गाँव के तमाम लोगों को, तमाम किसानों को जागरूक करने का काम किया और गांव में सभी लोगों को एक बात के द्वारा, एक नारों के द्वारा कि पराली नहीं जलाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे, ऐसे ऐसे नारों के द्वारा लोगों को जागरूक करने का काम किया। अभी मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि एक नारे के साथ इस वाणी को विराम देता हूं। पराली नहीं जलाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे, पराली नहीं जलाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।